आपको या आपके किसी जानने वाले को अस्थमा है और वो समर्स में वर्स हो जाता है? आइए जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अस्थमा होता है जब व्यक्ति के एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं, उनमें म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और सांस आने में तकलीफ होती है। भारत में बढ़ते एयर पोल्यूशन, हॉट और ह्यूमिड वेदर में अस्थमा अटैक्स बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अस्थमा अटैक पोलन की वजह से भी ट्रिगर होते हैं जब फ्लावर से रिलीज होते हैं। अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा पोलन रिलीज होते हैं। इस समय पे अपने ट्रिगर्स का खास ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर विकास मित्तल का कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने ट्रिगर्स को पहचानना, यानी आपको अस्थमा अटैक्स कब पड़ते हैं उसको फिगर आउट करना, फिर उसके सिम्टम्स को और ट्रिगर्स को रिकॉर्ड करके इस एक्सपोजर को बिल्कुल खत्म करना जरूरी है। अगर आप इसे बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि आप इस एक्सपोजर को बिल्कुल लिमिट कर दें, जैसे N95 मास्क यूज करें, स्पेशली डस्टी एरियाज में जाने से पहले या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स हो, जैसे पार्क या ट्रीज के आसपास। साथ ही अगर ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रोंकोडिलेटर और एंटीहिस्टामाइन जैसी मेडिकेशन के 2 एक्स्ट्रा पफ ले सकते हैं इस एक्सपोजर से पहले। इससे सडन अटैक्स अवॉइड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है तो क्लोज एनवायरमेंट्स में एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज करना बंद ना करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप शॉर्ट एक्टिंग बेटा एग्नेस्ट जैसी एल्बिट्रोल यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले या फिर पोलन सीजन या स्टॉर्म्स में। साथ ही इन सिम्टम्स से बचने के लिए या वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप फ्लू वैक्सीन लगवा लें और बेसिक हाइजीन जरूर मेंटेन करें। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।